स्टफ्ड इडली के लिए मैंने 100 ग्राम रवा लिया है और एक कटोरी दही लिया है। इन दोनों को मैं एक प्याले में डालकर अच्छी तरह मिक्स करूँगी। साथ ही इसमें आधा चम्मच नमक भी ऐड करूँगी। मिक्स करने के बाद में यदि आवश्यकता हो तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं। पानी डालने के बाद में अच्छी तरह मिक्स करके हम इसे 1 घंटे के लिए एक प्लेट से ढककर रख देंगे, जिससे कि हमारी सूजी अच्छी तरह फूल जाएगी। अब हम स्टफिंग का मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने पत्ता गोभी और शिमला मिर्च को बारीक काट लिया है। इसमें नमक, काली मिर्च, लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा नींबू का रस मिलाकर हम इसे तैयार कर लेंगे। इधर 1 घंटा हो चुका है, बैटर हमारा तैयार हो चुका है। अब मैंने गैस पर इडली का कुकर भी चढ़ा दिया है, जिससे कि पानी गर्म हो जाए। इसमें आप 2 गिलास पानी डालकर गैस ऑन करके रख दीजिएगा। अब हम इडली के सांचे लेंगे और इन पर अच्छी तरह तेल लगा लेंगे, ताकि इडली इन पर चिपके नहीं। बैटर में थोड़ा सा मैंने मीठा सोडा डाल दिया है, जिससे कि इडली अच्छी तरह फूल जाएगी। अब ये जो बैटर है, इसे आप इन सांचों के ऊपर 1-1 चम्मच डालकर अच्छे से फैला दीजिए। ये देखिए मैं किस तरह से बैटर डाल रही हूँ, आपको भी ऐसे ही डालना है। इसे हमें फूल नहीं करना है, थोड़ी जगह बचाकर रखनी है। और ये जो स्टफिंग का मसाला है, वो इस बैटर के ऊपर चारों ओर हम फैला देंगे। मसाला फैलाने के बाद में वापस आप इडली का बैटर मसाले के ऊपर डालेंगे, जिससे कि यह कवर हो जाए। इधर इडली के कुकर में पानी भी गर्म हो चुका है और अब हमें डायरेक्ट इसे इडली के कुकर में रखना है। इसी तरह से बाकी के सांचों में भी आप बैटर और मसाला डाल देंगे। अब हम 15 मिनट के लिए इस इडली को फुल फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे। 15 मिनट में इडली अच्छी तरह तैयार हो जाएगी। इडली तैयार हो, जितने हम चटनी बना लेते हैं, उसके लिए मैंने हरा धनिया, कुछ ताज़ा पुदीने की पत्ती है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, 2 हरी मिर्च है, और कैरी के सीजन में आप कैरी ले सकते हैं, वरना खटाई के लिए टमाटर भी लिया जा सकता है। इन सभी को मैंने अच्छी तरह धो लिया है। अब मैं कैरी के छिलके हटा दूंगी। कैरी की खटाई से चटनी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। इन सभी को मैं एक मिक्सी के जार में डाल दूंगी। साथ ही इसमें कुछ मसाले हम ऐड करेंगे, जैसे थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा जीरा, और अब हम इसे पीस लेंगे। ये देखिए हमारी ग्रीन चटनी भी तैयार हो गई है। अब 15 मिनट हो चुकी है। इडली को आप चेक भी कर सकते हैं, तो चाकू लेकर आप इडली के ऊपर लगाकर देखिए, अंदर डालकर देखिए। यदि बैटर चाकू पर चिपकता है तो इडली अभी कच्ची है, लेकिन 15 मिनट हो गई है तो इडली हमारी अच्छे से पक चुकी है। 5-7 मिनट के लिए इडली को हम ठंडा करेंगे, और उसके बाद में चाकू या चम्मच की हेल्प से आप सभी इडलियाँ एक प्लेट में निकाल कर रख लेंगे। ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी स्टफ्ड इडली तैयार हुई है। मैं आपको काट कर दिखाती हूँ। चटनी के साथ आप इन्हें सर्व कीजिए।